नमस्कार दोस्तों, सीईसी के लाइव एरेसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कल के लेक्चर में हमने जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से हिंदी एकांकी का विकास हुआ। आज भी हम हिंदी एकांकी के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हिंदी एकांकी और प्रौढ़ हुई और सशक्त हुई। कौन कौन से ऐसे एकांकीकार हैं जिन्होंने विभिन्न एकांकी लिखी, वो कौन से मुद्दे थे जो एकांकी के माध्यम से और उजागर हुए, तो इसके लिए एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर पीसी टंडन साहब का, और चाहेंगे कि जिस तरह से इन्होंने इसी के लेक्चर्स के माध्यम से हिंदी एकांकी को समझाने की प्रयास किया है, हिंदी एकांकी को समझाने की पूर्ण कोशिश की है, आज भी इस लेक्चर के माध्यम से ये उन तमाम एकांकीकारों के बारे में बताएं, उनकी एकांकी के बारे में और प्रकाश डालें। तो एक बार फिर से डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सीसी के इस लाइव एडुसेट लेक्चर में। जी नमस्कार। हिंदी एकांकी के दूसरे चरण पर हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसा हमने पहले जाना कि एकांकी क्या है, उसका स्वरूप क्या है, एकांकी के तत्व क्या है, और एकांकी के विषय में जो साहित्य के समालोचक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, उन्होंने उसको किस रूप में देखा समझा है, और एकांकी की साहित्यिक महत्ता के साथ साथ सामाजिक उपादेयता भी हमने जानी कि समकालीन जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, एकांकीकार कैसे अपने सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए उनको अपनाता है, इनकी चर्चा हमने की थी। और यह देखा था कि हिंदी एकांकी का उद्भव थोड़ा विलंब से हुआ है, और उसको हम हिंदी नाटक या उपन्यास कहानी आदि की तुलना में देखें तो ये थोड़ी कम बलशाली विधा दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें गति बनती रही है और एकांकी समय समय पर लिखे जाते रहे हैं। जो नाटककार प्रतिष्ठित और स्थापित नाटककार हिंदी के रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एकांकी लिखे हैं, उन एकांकियों को पढ़ा गया, सराहा गया, पाठ्यक्रमों में लगाया गया, उनका मंचन भी खूब हुआ। लेकिन आगे चलकर कैसे एकांकी की यह धारा, एकांकी का यह चिंतन बदलता गया, और एकांकीकार ने किस तरह से समाज को आर पार देखते हुए, समझते हुए, उसकी तमाम उन समस्याओं, चुनौतियों को, उन पक्षों को, उन चरित्रों या पात्रों को, जिनको लेकर के हम समझते हैं कई बार कि एक समस्या बनती है कि ये कैसा व्यक्तित्व है, ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसी मानसिकता है, ये कैसा द्वंद्व है, इन तमाम मुद्दों को मनोविश्लेषण के आधार पर भी, मनोवैज्ञानिकता के आधार पर भी, और कहीं समाजशास्त्रीय दृष्टि से एकांकीकारों ने अपने अपने ढंग से इस पर विचार किया है, चिंतन किया है, और एकांकी सृजन में उन्हें शामिल भी किया है। तो आज एकांकी के इस दूसरे चरण की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि एकांकी कहाँ से चली थी और यहाँ तक आते आते, मैंने इधर वर्तमान समय तक आते आते, उसका स्वरूप क्या हो गया। यह ठीक है कि एकांकी लेखन तुलना में थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि एक नाटककारों का रुझान पूर्ण नाटक की ओर ज्यादा हो गया है, और उन नाटकों के दो ढाई घंटे के शो में, प्रदर्शन में या मंचन आदि में लोगों की रुचि ज्यादा है। तो फिर भी एकांकियों का सृजन अभी हो रहा है। हम देखते हैं कि बच्चों के लिए बाल एकांकियां खूब लिखी जा रही हैं, उनको प्रेरित करने के लिए, चाहे वो इतिहास का संदर्भ हो, चाहे पौराणिकता का संदर्भ हो, चाहे राष्ट्र नायकों का संदर्भ हो, कभी कभी नैतिक मूल्यों को लेकर भी एकांकियां लिखी जा रही हैं। फिर उन बाल एकांकियों का स्कूलों में और अपेक्षा अनुसार कॉलेज वगैरह में भी मंचन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, और ये एक एक्टिविटी के रूप में, एक गतिविधि के रूप में शिक्षा व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा सा भी बन गया है कि कभी कोई उत्सव है, कोई वार्षिक समारोह है, या अन्य किसी प्रकार के वर्ष में एक या दो बार कोई सांस्कृतिक समारोह का आयोजन हो रहा है, तो उसमें भी एकांकियों का अभिनय करते हुए, मंचन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए स्कूल या कॉलेज अपनी भूमिका, अपनी उपस्थिति ये दर्ज करते हैं। तो ये एक परंपरा इस रूप में अभी जीवित है, और पूरे भारत में एकांकियां इस रूप में लिखी भी जा रही हैं, बाल साहित्यकार विशेष रूप से ऐसी एकांकियों को लिख रहे हैं, और प्रकाशक उसे प्रकाशित भी कर रहे हैं, और कहीं कहीं उनका मंचन भी हो रहा है। तो बहुत व्यावसायिक दृष्टि से बाल एकांकियों का मंचन नहीं हो पा रहा, लेकिन जो व्यावसायिक नहीं है ऐसी संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं।
अब हम देखते हैं कि हिंदी एकांकी का प्रथम चरण जो था, जिस पर हमने पहले चर्चा की थी, उसके स्वरूप में वह प्रौढ़ता नहीं थी, उसके स्वरूप में वह विकास तो था, लेकिन वह विकास जिसकी हम आज परिकल्पना करते हैं वह दिखाई नहीं दे रहा था। हमें लग रहा था कि विश्व के तमाम जो एकांकी के दबाव और प्रभाव हैं वो उन पर उस रूप में नहीं आ पा रहे थे, हालांकि भुवनेश्वर ने उसकी शुरुआत कर दी थी। लेकिन सेकंड दौर में, दूसरे चरण में, जिसको हम द्वितीय चरण कहते हैं, वहां तक आते आते एकांकी का जो पारंपरिक रूप था वह बदलने लगा था। आजादी के बाद का भारत एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग और उत्सव बोध के साथ हमें लगता है कि यहाँ जुड़ता हुआ प्रतीत होता है। यानी स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है उसमें वह जो उदासीनता थी, वह जो निराशा थी, वह जो हतोत्साहित होने का भाव था, वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और उमंग और उत्साह के साथ भारतवासी आगे बढ़ रहे थे। यह चेतना हमें साहित्यकारों में भी दिखाई पड़ रही थी। ऐसे में स्वतंत्र चेतना को लेकर, राष्ट्रभक्ति को लेकर, समाज के नए बदलते रूप और तेवर को लेकर, देश के लिए दिए गए बलिदानों को लेकर, अतीत के गौरव गान को लेकर, ऐसे न जाने कितने समकालीन प्रासंगिकता वाले, महत्व वाले मुद्दे और विषय थे जिनको लेकर देश के कोने कोने में, हर राज्य में, स्कूलों कॉलेजों में, सांस्कृतिक साहित्यिक आयोजनों में या भाषा और साहित्य सेवी संस्थाओं में इस तरह के लघु नाटकों का, एकांकियों का या नाटिकाओं का लेखन, मंचन, प्रदर्शन आदि समय समय पर होता रहा। उसका परिणाम यह हुआ कि एकांकी ने अपने एक दर्शक वर्ग को और पाठक वर्ग को विशेष रूप से तैयार कर लिया था। ऐसे अवसरों और आयोजनों के लिए बाकायदा एकांकी लिखे गए और लिखवाए भी गए। मान लीजिए स्कूल में वार्षिकोत्सव है, उस वार्षिकोत्सव पर किस तरह का एक एकांकी मंच से बच्चों के सामने या अतिथियों के सामने या विशिष्ट अतिथियों के सामने प्रस्तुत किया जाना है, इस पर चिंतन विचार हुआ और फिर उस तरह के एकांकी के लेखन की प्रेरणा से एकांकी लिखवाया भी गया। या वार्षिकोत्सव मान लीजिए अगस्त महीने में हो रहा है तो आजादी को ध्यान में रख करके एकांकी सृजन कराया गया। अगर मान लीजिए किसी पर्व या उत्सव के अवसर पर हो रहा है तो उस पर्व उत्सव को ध्यान में रखकर एकांकी लिखवाया गया। इसी तरह जो राष्ट्र के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, तो स्वतंत्रता सेनानी थे या बलिदान देने वाले, संघर्ष करने वाले राष्ट्र चेतना के हमारे नायक थे, उनको लेकर एकांकी लिखवाने का सिलसिला चल निकला। तो इस तरह से हमने समय समय पर, या कोई मान लीजिए तात्कालिक एक ज्वलंत समस्या समाज के सामने आ गई, उस ज्वलंत समस्या के निदान को ध्यान में रखकर, उस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य को सामने रखकर इस तरह के एकांकी लिखवाए जाते रहे और स्कूलों में, कॉलेजों में या हिंदी सेवी या साहित्य सेवी संस्थाओं में इनका समय समय पर मंचन भी होता रहा, प्रदर्शन होता रहा और वस्तुतः दर्शकों ने मनोरंजन करते हुए साथ साथ शिक्षा और प्रेरणा भी ग्रहण की। ऐसे अवसरों पर और आयोजनों के लिए जो एकांकी लिखवाए जाते थे उनका एक प्रयोजन पहले से तय कर लिया जाता था कि हम चाहते क्या हैं और एकांकीकार एकांकी में किस तरह के पात्रों की, किस तरह की कथा वस्तु की, किस प्रकार के संवादों की बनावट करेगा और उससे उस दर्शक और पाठक जगत को क्या लाभ हो पाएगा। आजादी के बाद के भारत में धीरे धीरे इस प्रकार के आयोजन या समारोह समय समय पर हुए और एकांकी काफी हद तक पठनीयता के साथ साथ दर्शनीय भी बनते चले गए। शुरू में एकांकियों की पठनीयता का दौर ज्यादा हमें दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे उनके मंचन की चिंता जब एकांकीकारों ने की तो रंग संकेतों से और तमाम उस दिशा निर्देशों से निर्देशकों के लिए उन्होंने जो कार्य किया तो एकांकी एक वस्तुतः दर्शनीय विधा बन गई। पूर्णकालिक नाटकों का मंचन प्रदर्शन तो नियमित रूप से देश में होता ही था, चला आ रहा था, लेकिन एकांकियों का मंचन निसंदेह उस स्तर पर नहीं हो पा रहा था जैसे नाटकों का हो पा रहा था। नाटकों की स्वीकृति, जन स्वीकृति ज्यादा थी, अधिक थी और एकांकियों की जन स्वीकृति तुलना में कम थी। परिणामतः एकांकी का महत्व भी नाटक की तुलना में कुछ कम हो गया था।
इसलिए जो स्थापित नाटककार थे वो पूर्ण कालिक नाटक लिखने में या उसके प्रदर्शन आदि में उनकी रुचि उनका रुझान ज्यादा था और एकांकियों की तरफ उनकी रुचि उनका रुझान थोड़ा कम था। रेजियो एकांकी एक सशक्त विधा बन गई थी, एक शक्तिशाली विधा के रूप में रेडियो एकांकी उभर आया था, क्योंकि उस समय रेडियो बड़ा लोकप्रिय माध्यम बनता जा रहा था और रेडियो पर समय समय पर छोटी छोटी लघु नाटिकाएं, कुछ झलकियां, कुछ झांकियां, उनके नामकरण अलग अलग भले ही कर दिए गए हों, लेकिन उन्हें ऐसे तमाम समकालीन जो प्रासंगिक और ज्वलंत मुद्दे थे, विषय थे, उनको उससे जोड़कर रोचक और प्रेरक एकांकी के रूप में तैयार किया जाने लगा था। और एकांकीकार इस रूप में उनका लेखन कर रहे थे कि यदि रेडियो पर उसको ध्वनि संकेतों के माध्यम से या पात्रों की संवादात्मकता के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए, संगीत की सहायता से यदि प्रदर्शित किया जाए, प्रसारित किया जाए, तो निश्चित रूप से उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और इस क्षेत्र में रेडियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेडियो नाटकों और एकांकियों ने निरंतर लोकप्रियता हासिल की और यह लोकप्रियता उनकी बढ़ती चली गई, श्रोताओं की संख्या लगातार बढ़ती गई और एकांकी जन सामान्य में हिंदी के पाठकों और दर्शकों में एक लोकप्रिय, जिसको हम पॉपुलर कहते हैं, वह विधा बन गई। एक सुनिश्चित उद्देश्य के लिए रेडियो एकांकी लिखवाने का प्रयोजन अब सिद्ध होता हुआ, सार्थक होता हुआ दिखाई देने लगा। हास्य व्यंग्य और हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए भी रेडियो पर बहुत सारे एकांकी, बहुत सारी झलकियां या झांकियां तैयार की गई, उनका प्रसारण हुआ और लोगों ने उनको स्वीकार किया। हम जानते हैं कि मंच के नाटक या एकांकी में तथा रेडियो के नाटक और एकांकी में अनेक प्रकार से भिन्नता पाई जाती है। जो पूरा तंत्र चाहिए, स्टेज चाहिए, वेशभूषा चाहिए या पर्दे चाहिए या लाइट आदि की व्यवस्था चाहिए, ये सब मंच के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन रेडियो पर इन सब की आवश्यकता उतनी नहीं है, क्योंकि वहाँ पात्र दिखाई नहीं देते, वहाँ केवल पात्र सुनाई देते हैं, वहाँ घटनाएं दिखाई नहीं देती, घटनाओं की जानकारी हम तक श्रवणीय बनाकर प्रस्तुत की जाती है। तो रेडियो के लिए ध्वनि और शब्द प्रयोग, शब्द संप्रेषण बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्हीं के माध्यम से एकांकी या नाटक श्रोताओं तक विधिवत पहुंचते हैं। तो जो भी पदचाप दिखाई सुनाई देनी है या घुड़चाप सुनाई देनी है या तबले और हारमोनियम की ध्वनि और संगीत का संप्रेषण करना है, तो वो सब कुछ रेडियो से होता है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, उसका अनुभव कर सकते हैं। और वह अनुभव किसी भी तरह देखने से कम नहीं होता, हमें लगता है कि हमारे सामने ही सब कुछ घट रहा है, ये उसकी एक बड़ी भारी विशेषता है। तो रेडियो ने हिंदी एकांकी को एक तरह से नया जन्म भी दिया था। इसी तरह रेडियो नाटक दृश्य काव्य नहीं होता, यानी उसमें जो भी कुछ होता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वह श्रव्य काव्य या श्रव्य प्रस्तुति के रूप में हमारे सामने आता है। तो दृश्य प्रस्तुति और शब्द प्रस्तुति में जो भी जितने भी अंतर होते हैं वो सब हमारे मंच पर प्रदर्शित एकांकी में और रेडियो पर प्रसारित एकांकी में दिखाई देते हैं, स्पष्ट प्रतीत होते हैं। छोटे नाटकों और नाटिकाओं को रेडियो के लिए रूपांतरित करने की एक लंबी परंपरा चल निकली, जिसमें बहुत सारे प्रतिष्ठित और स्थापित साहित्यकारों ने, नाटककार, एकांकीकार, कहानीकारों ने, जिन्होंने कहानियां उपन्यास लिखी, उन्होंने भी उन वस्तुओं का, उन कथा वस्तु का अंतरण करके, रूपांतरण करके रेडियो के लिए तैयारी की। इस तरह हम देखते हैं कि एकांकी को और रेडियो नाटक को हम पर्याय तो नहीं मान सकते, लेकिन उन दोनों में कोई सहोदर सा संबंध प्रतीत होता है। एकांकी साहित्य के इस काल को उत्कर्ष काल की दृष्टि से देखा जाता है। साहित्यकारों ने इस दूसरे चरण को, जो लगभग 50 के 60 के बाद का चरण है, जिसमें 7वें 8वें 9वें दशक की या 10वें दशक की, यानी जो 20वीं शताब्दी है उसके उस रूप को हम देख सकते हैं, तो जो प्रतिष्ठित एकांकीकार और नाटककार थे उन्होंने यहाँ तक आते आते एकांकी को मजबूत बना दिया और विषय वस्तु से वैविध्य जोड़ते हुए संपन्न और समृद्ध कर दिया। इतना अंतर एक जरूर आया कि एकांकी संग्रह जो पहले धारा प्रवाह गति से या बहुत तेजी से प्रकाशित नहीं हो रहे थे, अब यहाँ तक आते आते, इस प्रौढ़ अवस्था तक आते आते, एक ही एकांकीकार के अनेक एकांकियों का संग्रह आने लगा और
प्रतिष्ठित एकांकीकारों ने जो उस समय के जो समकालीन एकांकीकार थे 7, 8, 9, 10 उनके एक एक एकांकी को लेकर संकलन तैयार करने प्रारंभ कर दिए। तो हमारे सामने एकांकियों के संग्रह और संकलन प्रकाश में आने लगे। उसका परिणाम यह हुआ कि एकांकी प्रकाशित रूप में पूर्णतः तैयार मिल रहा है, केवल एकांकीकार से स्वीकृति लें और उसका मंचन कहीं भी कर दें। उसका निर्देशन करने वाले, उसको डायरेक्शन देने वाले लोग उसके लिए समर्पित थे, इसलिए इस दिशा में पाठ्य पुस्तकों में भी एकांकी शामिल होने लगे। जब संकलन आने लगे बहुत सारे तरह तरह के अलग अलग समस्याओं के, कहीं समाज की समस्या को लेकर एकांकी हैं, कहीं सांस्कृतिक समस्या को लेकर, कहीं अधुनातन बदलते मूल्यों को लेकर, कहीं फैशन को लेकर, कहीं गरीबी को लेकर, कहीं बीमारी को लेकर, और कहीं पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों पात्रों को लेकर। तो कैसा एकांकी प्रदर्शित करना है, कहीं पर भी स्कूल में, कॉलेज में या किसी सांस्कृतिक अनुष्ठान के लिए मंच पर, तो वैसा निर्णय लेकर एकांकी छांट लिया जाता है। फिर उसकी रिहर्सल कराई जाती है, उसके लिए डायरेक्टिव या निर्देशन दिए जाते हैं और तैयारी के बाद उनका मंचन प्रदर्शन किया जाता है। ये सिलसिला इस दौर तक आते आते चल निकला, क्योंकि जो लिखित रूप में एकांकी थी उनकी सामग्री पर्याप्त हो गई थी। खड़ी बोली हिंदी की गद्य विधाओं को और उनके संकलन को अगर हम देखते हुए विचार करें तो कह सकते हैं कि हर गद्य संकलन में संपादक की यह कोशिश या प्रयास रहता था कि उसमें एक या दो एकांकी गद्य विधाओं में अवश्य आए। अगर एक निबंध आ रहा है, अगर एक संस्मरण और एक रेखाचित्र आ रहा है, अगर एक छोटी जीवनी का कोई अंश आ रहा है, तो एक एकांकी भी उसमें आना चाहिए। इस तरह की दृष्टि, इस तरह की सोच संपादकों की होने लगी थी, तो उससे भी एकांकी के विकास में, विस्तार में बल मिला। अलग से रेडियो एकांकी पुस्तकाकार में प्रकाशित हुए, उन पर बाकायदा यह अंकित किया गया कि रेडियो एकांकी। अब उन रेडियो एकांकियों का प्रसारण के बाद भी संकलन हुआ और पहले भी उनका लेखन संकलन हुआ जिनका बाद में प्रसारण हुआ। दोनों तरह की स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। कुछ नए पुराने एकांकियों के संग्रह भी प्रकाश में तेजी से आने लगे। कोई प्रारंभिक दौर का एकांकी ले लिया, फिर उससे कुछ बाद के समय का एकांकी लिया, फिर उसके कुछ बाद के समय का, इससे हमें एकांकी के क्रमिक विकास का भी बोध हुआ और बदलते स्वरूप की भी जानकारी मिल गई कि चलना जब सीख रहा था एकांकी तब कैसा था, उसकी विषय वस्तु कैसी थी, उसकी भाषा कैसी थी, उसके बाद 10 साल बाद एकांकी का रूप कैसे निखर आया, कैसे बदल आया, उसकी उसका भी हमें बोध हुआ। और फिर तीसरे चौथे दौर तक आते आते एकांकी कैसा हो गया। तो जो संपादक है वो कई दृष्टियों से एकांकियों के संकलन, संपादन आदि का काम, प्रकाशन आदि का काम कर रहे थे। इस दौर में प्रकाशित लिखित एकांकी संग्रहों पर यदि मोटे तौर पर एक दृष्टि डालें, एक नजर डालें, तो देख सकते हैं कि सन 86 में विष्णु प्रभाकर, जो बहुत चर्चित और प्रसिद्ध गांधीवादी लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं, उनकी चर्चा हमने पहले की थी, उनका एकांकी संग्रह हमारे सामने आया जिसका शीर्षक है मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, इस शीर्षक से एक एकांकी संकलन आया जो विष्णु प्रभाकर द्वारा संपादित था। और दूसरा विष्णु जी द्वारा ही संपादित एक अन्य एकांकी संग्रह जिसका शीर्षक था समकालीन लघु नाटक। समकालीन लघु नाटक, उन्होंने लघु नाटक कहकर कुछ एकांकियों का संकलन, यह भी सन 1986 में ही प्रकाशित हुआ और बहुत सारे एकांकी इनमें से छांट छांट कर जगह जगह अलग अलग स्थलों पर अलग अलग निर्देशकों द्वारा प्रदर्शित किए गए और सराहे गए। सन 85 में कमलेश्वर, जो बहुत ही सशक्त रचनाकार कथाकार रहे हैं, कमलेश्वर ने निश्चित रूप से मीडिया के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में बहुत ही अविस्मरणीय काम किया है, वही कमलेश्वर 1985 में एक एकांकी संग्रह तैयार कर रहे हैं और उसका प्रकाशन हुआ जिसका नाम है लहर लौट गई। तो कमलेश्वर ने भी एकांकी के विकास में, सृजन और प्रदर्शन में भूमिका निभाई। 1988 में राधा कृष्ण सहाय ने एक एकांकी संग्रह तैयार किया, प्रस्तुत हुआ, प्रकाश में आया, उसके कई एकांकियों का मंचन हुआ। उसका शीर्षक था हे मातृभूमि। ये जो राष्ट्रीय चेतना का बोध है शीर्षक से भी ज्ञात हो रहा है। उन्होंने ऐसी तमाम समकालीन स्थितियों, घटनाओं को देखकर एकांकियों का सृजन किया और इसमें संकलन किया।
सन 84 में वीरेंद्र मिश्र का एक एकांकी संग्रह हमारे सामने आता है जिसका शीर्षक है आवाज आ रही है। आवाज आ रही है इस शीर्षक से उन्होंने इसमें कई सारे एकांकी संकलित किए, उनका संपादन किया और निश्चित ही वह भी बहुत सराहे गए। सन 1986 में रेडियो नाटक के लोकप्रिय नाटककार चरणजीत हमारे सामने आते हैं। चरणजीत ने रेडियो के लिए बहुत काम किया है, बोल की बोल जैसा उनका लिखा हुआ वह लोकप्रिय जो नाटिका होती थी उसको सुनने के लिए लोग पहले से तैयार रहते थे। तो चरणजीत ने सात युव मंच नाटक नाम से एक संकलन एकांकियों का तैयार किया, उसका प्रकाशन भी हुआ और समय समय पर उनमें से छांट कर कुछ एकांकियों का मंचन भी होता रहा। भारत भूषण अग्रवाल ने 1982 में पलायन नाम से तथा 1983 में युग युग या पांच मिनट, युग युग या पांच मिनट, इन दो नामों से उन्होंने एकांकी संग्रह तैयार किए। और भारत भूषण अग्रवाल भी बहुत अच्छे कवि के रूप में, रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने समकालीन अनेक ज्वलंत समस्याओं को अपने साहित्य के माध्यम से उजागर किया है। तो ये एकांकी संग्रह दो जो उन्होंने दिए हैं वो भी इसी प्रकार की समस्याओं को हमारे सामने उठाते रहे हैं। सन 1998 में डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे और बहुत ही नाटक के जाने माने विशेषज्ञ के रूप में उनको हम देखते हैं, उन्होंने रोशनी शेष है इस शीर्षक से एक एकांकी संग्रह तैयार किया और इस एकांकी संग्रह का नाटक जगत में, एकांकी जगत में स्वागत हुआ और निश्चित रूप से उसने एक नया रास्ता, एक नया मार्ग भी प्रशस्त किया। सन 86 में प्रकाशित डॉक्टर गिरीश बख्शी, वो भी विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में अध्यापक रहे, खिड़की बंद कर दो इस शीर्षक से एक एकांकी संग्रह तैयार किया और इसके भी बहुत सारे एकांकी समय समय पर यहां वहां प्रदर्शित हुए। सन 86 में शंकर पुणतांबेकर नाम के एक लेखक हैं, उन्होंने भूख हड़ताल नाम से एक संग्रह एकांकियों का संकलन तैयार किया, लिखे भी और संग्रह भी हुआ और वही प्रदर्शन का सिलसिला उसके साथ भी जुड़ा। सन 1985 में श्री तेजपाल चौधरी ने वेटिंग रूम नाम से एक एकांकी संग्रह हमें दिया। 81 में श्री आनंदम द्वारा आखिरी पन्ने नाम से एक अन्य एकांकी संग्रह हमारे सामने आया। सन 84 में श्री अमरनाथ चौधरी ने दो एकांकी संग्रह तैयार किए, अब्ज नाम से तथा इंद्रधनुष नाम से। और 2001 में वसंत कुमार परिहार ने एक एकांकी संग्रह लिखा, इंडिया गेट का मुकदमा। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो इस बात के साक्षी हैं कि एकांकी लेखन, उनका संकलन प्रकाशन, उनका मंचन, ये एकांकीकारों के लिए एक एक मिशन की तरह से हमारे सामने आया। उन्होंने इसमें अपनी रचनात्मक और सृजनात्मक जो भी भूमिका हो सकती थी वो निभाई और निश्चित ही एकांकी को एक नई दिशा प्रदान की। इस जमाने के एकांकियों में विषय की विविधता तो है ही, साथ साथ शिल्प का बदलता रूप भी अब हमें दिखाई देने लगा था। भाषा का तेवर मुहावरा बदल रहा था, संवादों के शब्द चयन का आधार भी बदल रहा था, मोहन राकेश के एकांकियों में या अन्य उस समय के लेखकों की भूमिका में हम देखें तो हम देख सकते हैं, अज्ञेय के एकांकियों में भी हम इस तरह की स्थितियां देख सकते हैं। यही वह दौर है जब एकांकी का अधिकार बीच बीच में नुक्कड़ नाटक छीनते रहे, कभी कभी नुक्कड़ नाटकों ने एकांकी को पीछे छोड़ दिया, यानी एकांकी का आधुनिकीकरण या परिष्कृत रूप नुक्कड़ नाटक के रूप में हमारे सामने समय समय पर आया, तो एकांकी थोड़ा गौण हो गया। उसके बाद कहानी का भी एक रंगमंच तैयार होने लगा, ये एक नए तरह का रूपांतरण था, कहानी को नाटकीय रूप में, यानी उसका नाट्य रूपांतरण तैयार करना, एकांकी रूपांतरण तैयार करना, पूरे उसी कथानक, उसी कथा वस्तु, उसी पात्र विधान, उसी संवाद विधान को ध्यान में रखकर उसको इस तरह तैयार कर देना कि उसको कोई भी कहीं भी मंचन कर सके, प्रदर्शन कर सके, दिखाया जा सके। तो अभिनेता की दृष्टि से कहानी का कायाकल्प करना, कलेवर बदल देना, ये एक सिलसिला भी चल निकला। तो कहानी का रंगमंच जब तैयार हुआ तो बहुत सारी प्रतिष्ठित लेखकों की, कहानीकारों की कहानियां, प्रेमचंद की न जाने कितनी कहानियों का, जिसमें सम्माननीय चित्रा मुदगल जी का बड़ा महत्वपूर्ण काम है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्होंने ये काम किया। तो नाट्य रूपांतरण लगातार कहानियों के होते चले गए, उनके मंचन होते गए, उनकी सफलता भी हमारे सामने आती चली गई। देवेंद्र राज अंकुर ने
कहानी का रंगमंच बहुत आधुनिक दृष्टि से तैयार किया और लगभग लगभग 450 कहानियों को उन्होंने नाट्य रूपांतरण के साथ हमारे सामने प्रस्तुत भी किया, उनका प्रकाशन आदि भी हुआ। तो ये नाट्यानुकूलन जो है कहानी का, नाटक की भाषा, शिल्प, मंचीयता आदि के अनुकूल कहानी को ढालने का ये सिलसिला जो है ये बहुत तेजी से चल निकला था। और इसमें NSD से जुड़े हुए देवेंद्र राज अंकुर हों या अन्य दूसरे इस प्रकार के विशेषज्ञ हों, उन्होंने काम किया। नुक्कड़ नाटक करने वाली बहुत सारी संस्थाएं उभर कर हमारे सामने आने लगी और उनका उद्देश्य मूलतः तो वो राजनीति से प्रेरित थी। ऐसी संस्थाएं जो इस प्रकार के नुक्कड़ नाटकों का सृजन कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, इसलिए नुक्कड़ नाटकों के अधिकांश विषय भी राजनीति से प्रेरित होते थे। आपातकाल तक और उससे आगे अगर हम चलें तो नुक्कड़ नाटकों पर ज्यादा बल देने लगा, यानी जो आपातकालीन स्थिति थी उसके बाद नुक्कड़ नाटकों की तो जैसे बाढ़ सी आ गई। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इन नुक्कड़ नाटकों में एकदम मुखर होकर सामने आने लगी और सहमत नाम की एक संस्था, जिसका वस्तुतः अगर हम ये देखें कि सहमत शब्द कैसे बना, तो वह सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट से एब्रीज करके, संक्षिप्त करके, तो सहमत नाम की एक संस्था हमारे सामने आई जिसने ढेरों नुक्कड़ नाटकों को प्रशय दिया, उनकी तैयारी की, उनका प्रदर्शन किया। इसमें वामपंथी विचारधारा के समर्थक लेखक और निर्देशक विशेष रूप से सक्रिय हुए और उन्होंने उल्लेखनीय योगदान किया। अनेक नुक्कड़ नाटक संग्रह भी बाद में प्रकाशित हुए, माने नुक्कड़ नाटक जो समय समय पर प्रदर्शित होते रहे, समय समय पर लिखे जाते रहे, उन नुक्कड़ नाटकों के संकलन भी मुद्रित माध्यम से हमारे सामने आए, ताकि भविष्य में कोई और भी अगर उन नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कहीं अपनी बात को रखना चाहता है या उस कथ्य का कहीं मंचन आदि करना चाहता है तो कर सके। तो देश में, समाज में, चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियां हो, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, सामाजिक चुनौतियां हो, या किसी अन्य प्रकार की जो जन सामान्य के लिए, मानव समुदाय के लिए कोई कठिनाई, कोई चुनौती आ रही थी, तो उसको एक विषय बनाकर, एक समस्या बनाकर, नुक्कड़ नाटक की विशेषता ये होती है कि उसके लिए कोई विधिवत बड़े मंच की जरूरत नहीं होती, आप कहीं भी उसका प्रदर्शन कर सकते हैं उसके माध्यम से। उसके लिए कोई बहुत मंझे हुए कलाकार हो ये जरूरी भी नहीं है, आप नौसिखियों को उसमें शामिल करके बहुत छोटा सा उनका प्रशिक्षण देकर, बहुत ज्यादा उसमें वेशभूषा आदि की भी आवश्यकता नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा उस तरह की मंच सज्जा आदि की भी आवश्यकता नहीं है, किसी पार्क में, किसी चौराहे पर, किसी शैक्षिक संस्थान में, इस तरह के नुक्कड़ नाटक आज भी खेले जा रहे हैं और तब भी खेले जा रहे थे, और बहुत बड़े बड़े नाटककारों ने नुक्कड़ नाटकों को प्रोत्साहित करने में भूमिका अवश्य निभाई, इसमें कोई दो राय नहीं। आज सिनेमा में जो हमारे बहुत बड़े प्रतिष्ठित अभिनेता दिखाई देते हैं या अभिनेत्रियां दिखाई देती हैं, उनमें से कई लोग नुक्कड़ नाटकों में भी शामिल रहे, उन्होंने समय समय पर यह काम किया। कहानियों के नाट्य लेख तैयार किए जाने लगे और चित्रा मुद्गल विशेष रूप से, जिनकी चर्चा पहले मैंने की, प्रेमचंद की अनेक कहानियों का नाट्य संस्कार इन्होंने किया, नाट्य रूपांतरण इन्होंने तैयार किया और वो नाट्य रूपांतर बहुत लोकप्रिय हुआ, बड़ा स्वीकार्य हुआ। 2005 में आदरणीय चित्रा जी ने ये कहानियों का रूपांतरण करते हुए 3 बड़े खंडों का संपादन किया, प्रेमचंद की कहानियों का, कुछ कहानियां उन्होंने चुनी जिन कहानियों की सामाजिक सांस्कृतिक सार्थकता को उन्होंने महसूस किया और उनको लगा कि ये कहानी अगर पाठकों तक मान लीजिए नहीं पहुंच पाई, चाहे पाठ्य पुस्तक की बात हो या सामान्य रूप से पठनीयता की बात हो, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि नाटक एकांकी या सिनेमा जैसे या दूरदर्शन या स्क्रीन पर दिखाई देने वाले जो दृश्य माध्यम है उनका प्रभाव जो श्रव्य माध्यम है उनकी तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि वो दृश्य और परिदृश्य दृष्टि के सामने, आंखों के सामने रहता है। तो चित्रा जी ने इस सामाजिक मनोविज्ञान को समझते हुए प्रेमचंद की अनेक महत्वपूर्ण और प्रेरणास्पद कहानियों को छांटा और उनके आधार पर उनका नाट्य रूपांतरण किया, फिर उनके संकलन बनाकर उन्हें प्रकाशित भी कराया, ताकि कल को कोई इन माने नाट्य रूपांतर रूपी कहानियों का
प्रदर्शन करना चाहे, मंचन करना चाहे तो करे, विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को या शिक्षा क्षेत्र में लगे हुए जो विद्वान हैं उनको इसकी जानकारी भी मिल सके। तो ऐसे तीन संकलनों में अगर हम दृष्टि डालें तो सदगति तथा अन्य नाटक इस शीर्षक से पहला संकलन आया, जिसमें प्रेमचंद की कुछ कहानियों को उन्होंने छांट कर नाट्य रूपांतरित किया। दूसरा बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक, ये दूसरा संकलन है, उन्होंने एक एक कहानी को लेकर शीर्षक से जोड़ दिया है, लेकिन इसमें अनेक कहानियां संकलित की हैं जो नाट्य रूपांतरित होकर हमारे सामने आई हैं। और तीसरा संकलन था पंच परमेश्वर और अन्य नाटक। तो ये चित्रा जी ने एक नई सोच के साथ, एक नई प्रस्तुति के साथ शिक्षा जगत को, साहित्य जगत को, नाट्य जगत को उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। यही नहीं, कहानी के रूपांतरण के साथ साथ औपन्यासिक अनेक रचनाओं का भी नाट्य रूपांतरण होने लगा, कहीं लघु नाटिका के रूप में और कहीं दीर्घ नाटक के रूप में। अगर उपन्यास बड़ा है तो बड़े बड़े नाट्य रूपांतर भी हुए और उन्हीं का संक्षिप्त नाट्य रूपांतर भी हो गया, उसका जस्ट उसकी आत्मा उसमें से निकाल ली और उस मूल कथ्य को नाट्य रूपांतरण के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया और उसमें सफलता भी मिली। हंस पत्रिका का, इसकी चर्चा हमने पहले की थी, एक विशेषांक, एकांकी विशेषांक के रूप में भी आया, इसने भी एकांकी के विकास को बल दिया। हंस उस समय की साहित्यिक पत्रिकाओं में बहुत श्रेष्ठ पत्रिका थी। इस पत्रिका के संपादन का जो श्रेय है वह प्रेमचंद को भी जाता है। प्रेमचंद ने हंस पत्रिका के माध्यम से न केवल सृजनात्मक साहित्य को प्रोत्साहित किया बल्कि सामाजिक चिंतन को, सामाजिक समस्याओं को भी उजागर करने का प्रयास किया। तो पत्रिका का जो रूप निखर कर आया उससे उसकी लोकप्रियता, उसकी पठनीयता बढ़ गई। परिणामतः हिंदी एकांकी को भी इस हंस पत्रिका के आशय में जाना पड़ा। तो एकांकी विशेषांक के रूप में जब ये अंक आया तो एकांकी को और अधिक बल मिला, शक्ति मिली, उसकी पठनीयता बढ़ी, उसके ग्राहक बढ़े, उसके दर्शक बढ़े, उसके पाठक बढ़े और पाठ्यपुस्तकों में भी पुनर्विचार करने की प्रेरणा मिली कि एकांकी जैसी विधा उपेक्षित हो रही है, उसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हंस पत्रिका के इसे एकांकी विशेषांक की भूमिका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण मानी जाती है। विष्णु प्रभाकर ने प्रभाकर माचवे जी के आग्रह पर दो चर्चित एकांकी लिखे। प्रभाकर माचवे हिंदी के एक बड़े साहित्यकार के रूप में हमें जानते हैं, उन्होंने बहुत प्रेरक साहित्य हमें दिया है। तो गद्य साहित्य के और पद्य साहित्य के वो आधिकारिक विद्वान थे, तो उन्होंने विष्णु प्रभाकर से आग्रह किया कि वो इस तरह के विषयों को ध्यान में रखते हुए एकांकी लिखें तो उससे समाज को कुछ लाभ होगा। तो उनके आग्रह का मान रखते हुए विष्णु जी ने हत्या के बाद नाम से एक एकांकी और माँ बाप नाम से एक दूसरा एकांकी। तो ये जो उस समय की जो सामाजिक चुनौतियां हमारे सामने बढ़ रही थी, व्यवस्था के लिए एक खतरा बढ़ रहा था, उन विषयों को भी विष्णु जी ने एकांकी के रूप में, विष्णु जी बहुत सफल एकांकीकार माने जाते हैं, उन्होंने एकांकी में जो, जिसको हम कहते हैं वैविध्य, विषय वैविध्य दिया है, तो अलग अलग कोने में अपने सरोकारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने झांका और उनको नाटक और एकांकी के रूप में चित्रित किया। विष्णु जी ने हिंदी के श्रेष्ठ और लोकप्रिय एकांकीकार के रूप में अपनी एक पहचान बनाई। आज भी विष्णु जी को हम याद करते हैं कि वो वास्तव में एक बड़े कद के लेखक रचनाकार रहे हैं और उन्होंने अब अपने गांधीवादी दृष्टिकोण का जो परिचय दिया है उसमें साहित्य को या साहित्य की तमाम इन विधाओं को मूल्यों से जोड़ा है, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा से जोड़ा है और उसके माध्यम से कोई ना कोई एक सुनिश्चित उद्देश्य हमारे सामने, एक एक दिशा निर्देश हमारे सामने प्रकट किया है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार भी एक दूसरा नाम है जो नाटक एकांकी के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। भले ही हिंदी एकांकी को उन्होंने बहुत गंभीर विधा नहीं माना, यह ठीक है, लेकिन हिंदी एकांकी ने अपनी उपस्थिति तो दर्ज की है, ऐसा वो भी मानते हैं और बाकी साहित्यकार भी मानते हैं। हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास में इस एकांकी को बिना शामिल किए हम हिंदी साहित्य की गति को न देख सकते हैं, न जान सकते हैं।
क्योंकि एकांकी एक स्वतंत्र और भिन्न विधा के रूप में हमारे सामने आई और उसने पूरे हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास क्रम को जिस जिस रूप में आगे बढ़ाया उसमें एकांकी की भूमिका भी उल्लेखनीय रही, उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। सन 1935 और 36 के प्रारंभ में हम देखते हैं हिंदी एकांकी लेखन का जो विधिवत संग्रह रूप में प्रकाशन प्रारंभ हुआ था वह उस रूप में नहीं था जिस रूप में 1940 के बाद हुआ। तो 40 के बाद या और आगे बढ़े तो 50-60 के बाद जो संग्रह आए उन्होंने एक तरह से साहित्यकारों का ध्यान आकृष्ट किया और आगे चलकर इसमें से बहुत सारे एकांकी संग्रह लोकप्रिय हुए। उनमें से कुछ सेलेक्टेड, कुछ छांट लिए गए एकांकी और अधिक लोकप्रिय हुए। इसमें भुवनेश्वर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। भुवनेश्वर ने तांबे के कीड़े नाम से, आजादी की नींद नाम से और सिकंदर इस नाम से उन्होंने एकांकी दिए हमें और ये एकांकी वस्तुतः एकांकी की दिशा बदलने वाले थे, सोच बदलने वाले थे, उसके कथ्य और शिल्प की व्यंजना बदलने वाले थे। ऐसे एकांकी हमारे सामने आए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो न केवल इतिहासकार हैं, न केवल कवि हैं, न केवल समालोचक हैं, बल्कि उन्होंने नाटक और एकांकी लिखकर भी अपनी प्रतिभा का, विलक्षण प्रतिभा का परिचय हमें दिया है। तो रामकुमार वर्मा जी ने जो एकांकी संग्रह तैयार किए वो एक एक एकांकी संग्रह में कहीं 6, कहीं 5, कहीं 8, कहीं 10 एकांकी संकलित हैं और इतने सारे एकांकी उन्होंने हमें दिए हैं, ये संग्रह दिए हैं। तो ये संग्रह जो है वस्तुतः एकांकी के उद्भव और विकास को रेखांकित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संग्रहों में कुछ उल्लेखनीय जैसे रेशमी टाई, ये शीर्षक है संग्रह का, चारुमित्रा, विभूति, सप्त किरण, रूप रंग, रजत रश्मि, दीपदान, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख और इसी तरह जूही के फूल, ये इतने बड़ी संख्या में उन्होंने एकांकी संग्रह तैयार किए, उनका प्रकाशन हुआ और अपेक्षा अनुसार दर्शकों की मानसिकता और उनकी जरूरत को समझते हुए उनका मंचन प्रदर्शन भी हुआ। डॉक्टर वर्मा के एकांकी अधिकांशतः आदर्शवादी स्वर को बुलंद करते हैं। एक साहित्यकार का अपना जीवन दर्शन होता है, एक दृष्टि होती है, इसलिए वर्मा जी ने एक आदर्श चेतना को, आदर्श संदेश को सामने रखकर, केंद्र में रखकर अपने एकांकियों से अपनी आवाज को बुलंद किया और समाज को वो क्या कहना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, उनकी उनके जो नैतिक आदर्श हैं वो क्या हैं, यह उन्होंने इनके माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किए। उन्होंने एक तो शिक्षित वर्ग के मध्यवर्गीय पति पत्नी संबंधों के बीच जो समस्याएं पैदा हो रही थी, मध्यवर्गीय दाम्पत्य जीवन, उसमें भी पति पत्नी के बीच जो एक नासमझी का भाव था, एक दूसरे को न समझ पाने के कारण खतरे और चुनौतियां पैदा हो रहे थे, प्रेम और सेक्स को लेकर जो समस्याएं पैदा हो रही थी, ऐसी तमाम समस्याओं को उन्होंने, वर्मा जी ने अपने एकांकियों में शामिल किया। वस्तुतः इन समस्याओं को उकेरना, उभारना मात्र उनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन इनके माध्यम से सोचने समझने के लिए बाध्य करना और इनके निदान खोजने के लिए कुछ संकेत देना भी उनका उद्देश्य था। तो मध्यवर्गीय इस परिवार और समाज की चिंताओं को, समस्याओं को वर्मा जी ने बड़ी खूबी के साथ उकेरा है। एकांकी नाटकों के लेखन को जो गति वर्मा जी ने विषय वस्तु के वैविध्य से और पात्रानुकूल भाषा के चयन से दी है वह वास्तव में सराहनीय है, स्तुत्य है और हम हिंदी एकांकी की दृष्टि से उसका महत्व स्वीकार करते हैं। किंतु दोनों ही प्रकार के एकांकियों में डॉक्टर वर्मा ने आदर्शवादी दृष्टि और आदर्श की स्थापना का उद्देश्य इसे छोड़ा नहीं। वो चाहे किसी भी विषय को उठाते थे, वो समाज और संस्कृति का हो, शिक्षा जगत का हो, राजनीति का हो, वो जिस किसी विषय को उठाते थे तो उनका अपना एक आदर्श उनके साथ रहता था और उस आदर्श की प्रतिष्ठा करना, उस आदर्श को उद्देश्य के साथ संप्रेषित और संचरित करना, ये उनका मूल उद्देश्य रहता था और उसमें उनको सफलता मिलती थी। वर्मा जी के एकांकी पात्र भी
यानी एकांकी में उन्होंने जो पात्र लिए, चाहे वो स्त्री पात्र हो, चाहे वो पुरुष पात्र हो, चाहे वो बुजुर्ग पात्र हो, चाहे वो बाल पात्र हो, ग्रामीण और शहरी पात्रों, माने उन्होंने पात्रों का जो चयन किया वो कथा वस्तु को ध्यान में रखकर और उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया, उसी तरह की उनके संवाद, उसी तरह की उनकी भाषा, इनका भी ध्यान रखा। वो सब भारतीय आदर्श पत्नी के रूप में, या तो अगर किसी पति पत्नी के संबंधों को दिखाते हैं तो उनके यहाँ पत्नी जो है वो भारतीय आदर्श नारी का पारंपरिक रूप हमारे सामने चित्रित करने वाली पत्नी है। त्यागवादी व्यक्तित्व के रूप में, देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए त्याग कैसे किया जाता है, ऐसे चरित्रों की परिकल्पना उन्होंने अपने एकांकियों में की है। उदारतावादी, बहुत रिजिड नहीं है, बहुत हठ योगी नहीं है उनके पात्र, उदारता के साथ वो अगर स्थिति ऐसी है कि समझौता करना है तो वहां समझौता भी करवाते हैं, अगर स्थिति ऐसी है कि कहीं स्टैंड लेना, कहीं उसके लिए अड़ना जरूरी है तो ऐसा भी करते हैं। क्षमाशील, ये क्षमाशीलता का जो गुण है, जो भारतीय मूल्यों में हम जिन बातों को याद करते हैं, ये क्षमाशील पात्र भी उनके एकांकियों में हमें मिलते हैं कि अगर किसी से कोई अपराध हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो ऐसे ना हो कि हम उसको माफी ना करें, क्षमा ही ना करें, तो क्षमाशीलता भी है। बलिदान भी है देश के लिए, कैसे बलिदान दिया जाता है, क्यों बलिदान दिया जाता है, और फिर बलिदान देने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा क्या होती है, उसका मान सम्मान क्या होता है, हमें उसके प्रति कृतज्ञता का बोध कैसे व्यक्त करना है, आदि आदि ऐसे मुद्दे भी उन्होंने उठाए हैं। सेवा धर्म के निर्वाहक आदि कई रूप उन्होंने अपने एकांकियों में अपने पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं कि सेवक क्या होता है, वो सेवक सेवा धर्म का निर्वाह कैसे करता है। सेवा और स्वार्थ में बहुत अंतर है, इसलिए इन दोनों में कोई संबंध नहीं बनता, अगर सेवा करनी है तो निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए, ऐसे कुछ मूल्यों को उन्होंने एकांकियों में पिरो दिया है, शामिल कर दिया है। कहीं बोझिल नहीं लगता, कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये इस तरह के मूल्य जबरन आरोपित किए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि सहज ही वो हमारी पाठ्यचर्या का हिस्सा बनते जा रहे हैं और हम उसको उसकी सराहना भी कर रहे हैं। कहीं कहीं रामकुमार वर्मा गांधीवादी भी हो जाते हैं, उनके ऊपर गांधी जी का, गांधी दर्शन का, गांधीयन सोच का जो असर है वो दिखाई देता है। एकांकियों में वर्मा जी ने आरंभ, मध्य और चरमोत्कर्ष, इनको विशेष रूप से बुनावट इनकी करते हुए एकांकी को आद्योपांत, रोचक बनाए रखने, प्रेरक बनाए रखने का प्रयास किया है। प्रारंभ कैसा हो, मध्य कैसा हो और चरमोत्कर्ष कैसा हो, ऐसा ना हो कि अंत तक जाते जाते कौतूहली खत्म हो जाए, चमत्कारी खत्म हो जाए, या एक जो पठनीयता के निष्कर्ष हासिल करने की उत्कट इच्छा है वही समाप्त हो जाए, ऐसा वो नहीं करते। उनकी एकांकियों में बाकायदा एक शिल्प की समझ रखने वाले, संरचना की समझ रखने वाले, एकांकी के मर्म को जानने वाले विद्वान का, विशेषज्ञ का जो अर्थ है वो समझ में आता है। कौतूहल को लेकर, संकलन त्रय को लेकर, चरित्र चित्रण को लेकर, संवाद योजना को लेकर और रंग संकेतों को लेकर वर्मा जी बहुत सावधान है। उन्होंने बहुत ही प्रभावी ढंग से इन सारी बातों का, इन सारे तत्वों का, इनके निर्वाह का बहुत ही खूबी से ध्यान रखा है। तो वर्मा जी की ये विशेषता है कि उन्होंने जिस किसी विधा में प्रवेश किया उस विधा के साथ निष्ठा और ईमानदारी के साथ न्याय भी किया। ऐसा नहीं लगा कि केवल जबरन एक उपस्थिति दर्ज करनी है या जबरन एक प्रवेश प्राप्त करना है, नहीं, उन्होंने अगर एकांकी लिखे तो बिल्कुल एकांकी की कसौटी पर खरे उतरने वाले, नाटक लिखे तो नाटक की कसौटी पर खरे उतरने वाले, इतिहास लिखा, जिसे रीतिकाल पर उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, वो किताब दूसरे इतिहास ग्रंथों में उस तरह की चीजें नहीं मिलती, तो ये वर्मा जी की विशेषता रही है। इसके बाद उदयशंकर भट्ट ने भी बहुत सारे चर्चित एकांकी लिखे, प्रेरक एकांकी लिखे, उनका संपादन भी किया, संग्रह भी तैयार किया, प्रकाशन भी कराया, उनमें बहुत सारे मौलिक एकांकी थे और बहुत से दूसरे एकांकीकारों के एकांकियों का चयन और संग्रह भी था। तो उनके एकांकी संग्रहों में अगर हम देखें, स्त्री का हृदय शीर्षक से एक संकलन है, एक संग्रह है, चार एकांकी नाम से एक दूसरा संग्रह मिलता है, समस्या का अंत नाम से एक तीसरा संकलन हमें मिलता है उदयशंकर भट्ट का, धूम शिखा नाम से उन्होंने एक और एकांकी संग्रह तैयार किया, अंधकार और प्रकाश शीर्षक से ही हम बहुत सारे
एकांकियों के बारे में, संकलनों के बारे में विचार कर सकते हैं। आदिम युग नाम से एक एकांकी संग्रह, पर्दे के पीछे नाम से दूसरा एकांकी संग्रह, आज का आदमी तथा सात प्रहसन, ये सब वो संकलन है, वो संग्रह है जिसमें अलग अलग आस्वाद के एकांकियों को पिरोया गया है, एक साथ संकलित संपादित किया गया है। कहीं कहीं उनकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बन गई है, जो ये बताती है कि एकांकी के बारे में जो सोच है संपादक की, रचनाकार की, वह क्या रही है। नवजीवन, नव समाज और नई पीढ़ी की समस्याएं। अब आजादी के बाद का देश धीरे धीरे जो करवट बदल रहा था, जो रूप बदल रहा था, जो अपेक्षाएं बदल रही थी, वह नया देश क्या होगा, वो नयापन उसमें कहाँ कहाँ किस किस रूप में होना चाहिए, और अब हम अपने पारंपरिक जीवन से एक नई जीवन शैली, एक नई जीवन कला, इसको कैसे अपनाना चाहते हैं, तो उसको ध्यान में रखकर उन्होंने एकांकियों को बल दिया और उसमें शामिल किया। एक नव समाज निर्माण, नए समाज का नई दृष्टि से, नई तकनीक से निर्माण करना अब जरूरी है, उसको ध्यान में रखकर भी एकांकी लिखे। और नई पीढ़ी की समस्याएं, जो इधर 60-70-80 के दशक की, 90 के दशक की जो पीढ़ी है, वो अब अपेक्षा क्या कर रही है, उसने किन किन समस्याओं चुनौतियों का सामना किया है, और राष्ट्र की जिम्मेदारी या दायित्व उनके प्रति अब क्या बनता है, ऐसे कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए और एकांकियों का विषय बनाया। भट्ट जी ने अपने एकांकियों में इन सारी समस्याओं को बड़ी खूबी के साथ उकेरा। वे उच्च और मध्यवर्गीय परिवारों की समस्याओं को, उस परिवार व्यवस्था, उनके बिखराव, उनके टूटन को, उनकी विकृतियों को, और मध्यवर्गीय परिवार की अनेक प्रकार की विडंबनाओं को उन्होंने इन एकांकियों में विषय वस्तु बनाया, उनकी बड़ी बढ़िया बनावट करके उन्हें प्रस्तुत करने का, चित्रित करने का सराहनीय प्रयास भी किया। तो हम देख सकते हैं कि उदय शंकर भट्ट भी राम कुमार वर्मा के बाद एक बड़े एकांकीकार के रूप में हमारे सामने उभरते हैं और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। मध्यवर्ग के दोहरेपन को, ये जो जिसको हम ड्यूअलिटी कहते हैं, कह कुछ रहे कर कुछ रहे, दिखावा कुछ है वस्तुतः यथार्थ कुछ और है, ये जो दोहरापन है इसको उन्होंने बेबाकी से उघाड़ा है और वो बताना चाहते हैं कि ये जो मानसिकता है ये बदलनी चाहिए। हमारे दिखाने के दांत कुछ और हैं, खाने के दांत कुछ और हैं, ये मानसिकता, ये दृष्टि बदलनी चाहिए। उनके बनावटी और नकली चेहरे को उतार फेंकने का साहस अगर किसी एकांकीकार में है तो वो उदय शंकर जी में है। मुखौटा उतार कर उन्हें बेनकाब करने की शक्ति, उतना साहस, उतना धैर्य अगर किसी नाटककार के, एकांकीकार के पास है तो वो उदय शंकर भट्ट हैं। उन्होंने नेता नाम से राजनीति को बेनकाब किया, राजनीतिज्ञों को बेनकाब किया कि हमारे देश की स्थिति का जो वस्तुतः कारक है, इस देश को इस रूप में, इस स्थिति में पहुंचाने के जो मूल कारण है वो इस राजनीति और राजनीति से जुड़े हुए नेता है। और इसी तरह 19 और 35 नाम से एक अन्य संग्रह तैयार किया, नेता नाम से एक संग्रह, वर निर्वाचन नाम से उन्होंने एकांकियों का एक अन्य संग्रह भी तैयार किया जो बहुत कुशलतापूर्वक तैयार किया गया था। ये जो वर निर्वाचन है या नेता नाम से एकांकी संकलन है या 19 और 35 नाम से, ये समाज की के प्रतिबिंब के रूप में हमारे सामने उभर कर आए हैं। कहीं वे नेताओं के चारित्रिक खोखलेपन को और कहीं शिक्षा पद्धति के दिवालिएपन को, हमारी शिक्षा पद्धति, ये कैसे हम लॉर्ड मैकाले से अभी तक उसी शिक्षा पद्धति को चले खींचते चले आ रहे हैं और परिवर्तन भी कर रहे हैं तो भारतीय समाज और मानसिकता को ध्यान में रखकर नहीं कर रहे, हम पाश्चात्य दबावों में कुछ परिवर्तन शिक्षा जगत में करते चले जा रहे हैं, चाहे वो पाठ्य पुस्तकों की बात हो, चाहे वो पाठ्यचर्या की बात हो, चाहे वो उपाधियों की बात हो, चाहे वो शिक्षण पद्धति की बात हो, मैंने ऐसे तमाम प्रश्न उन्होंने, और ये महसूस किया कि हमारी शिक्षा पद्धति जो कभी विश्व में सराहनीय होती थी, जिसके आगे पूरा विश्व नतमस्तक होता था, वो शिक्षा पद्धति जिसके सामने लोग श्रद्धा से अवनत हो जाते थे, वह चिंता का विषय बनती जा रही है, तो भारत कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऐसे कई प्रश्न उन्होंने इसके माध्यम से उठाए हैं। बड़े आदमी की मृत्यु नाम से एकांकी एक तैयार किया उन्होंने, लिखा, और तथा कथित अमीर, पूंजीपति या बड़े और ऊंचे ओहदे
तथा रुतबे वालों की हृदयहीनता को इस एकांकी से उन्होंने उजागर किया। कि जिसे हम बहुत बड़ा आदमी मानते हैं, हम भ्रमवश हमें लगता है कि जिसके पास पैसा है वो बड़ा है, ऐसा एक सामाजिक सोच इस प्रकार की विकसित हो जाती है। और जो पूंजीपति है वो कितना कठोर होता है, कितना निष्ठुर होता है, कितना हृदयहीन होता है, स्पंदन शून्य होता है, ये तमाम मुद्दे उन्होंने इस आदमी ये इस एकांकी के माध्यम से, जिसका शीर्षक है बड़े आदमी की मृत्यु, इसके माध्यम से उन्होंने उठाया है। और बहुत ही प्रेरणास्पद एकांकी है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जिससे समाज में एक भेद पैदा होता है कि एक अमीर है एक गरीब है, तो गरीब के मन में अमीर को लेकर के जो धारणाएं जो बनती हैं कि वह निष्ठुर होता है, वह पाषाण होता है और वह अमानवीय होता है, ऐसे कुछ मुद्दों को उन्होंने रेखांकित किया है। पर्दे के पीछे संग्रह नाम एक हमारे सामने एकांकियों का और आया उनका, जिसमें पूरी पश्चिमी सभ्यता का, पाश्चात्य संस्कृति का और अंधानुकरण करते हुए भारतीयों का उसकी ओर उन्मुख होना, उस रेस में शामिल होना, ये उनके लिए चिंता का विषय बनता है। इसलिए वो इस प्रकार के पर्दे के पीछे शीर्षक से जिस तरह के एकांकी उन्होंने दिए हैं, वो निश्चित ही एकांकी के क्षेत्र में, एकांकी की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आदिम युग, प्रथम विवाह और वैवस्वत मनु, ये तीन अलग अलग नामों से शीर्षक से पौराणिक एकांकी भी भट्ट जी ने हमें दिए, जो निश्चित ही इस दिशा में अपना एक उल्लेखनीय स्थान बना सके हैं। उपेन्द्रनाथ अष्ट ने भी एक से बढ़कर एक प्रभावशाली प्रासंगिक संगत विषयों को लेकर, जो समाज की जिससे संगति बैठती है, ऐसे पात्रों की परिकल्पना की जो समाज में दिखाई देते हैं, उनको उन एकांकियों में उन्होंने शामिल किया। तो ऐसे एकांकी संग्रहों में जो उपेन्द्रनाथ अष्ट द्वारा तैयार किए गए, उनमें देवताओं की छाया में नाम से शीर्षक से एक एकांकी संग्रह, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली, साहब के को जुकाम है, साहब को जुकाम है, चरवाहे और 25 श्रेष्ठ एकांकी, ये कुछ संग्रह हैं जिनका शीर्षक मैंने आपके सामने रखा। ये एकांकी संग्रह भी अपनी विषय वस्तु और भाषा के कारण, शिल्प विधान के कारण, और सबसे बड़ी बात है कि दर्शकीय प्रभावात्मकता के कारण इनका बहुत स्वागत हुआ, सराहना हुई और लोगों ने मनोरंजन तो किया ही, इनके माध्यम से शिक्षा भी ग्रहण की, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। अष्ट जी पारिवारिक जीवन पर ज्यादा लिखते रहे। उन्होंने देखा कि उस समय का जो भारतीय परिवार है, जो कभी एक संयुक्त परिवार प्रथा के पक्षधर होते थे हम और उनको हम बड़ा सम्मान देते थे, वो संयुक्त परिवार प्रथा धीरे धीरे कैसे बिखरने लगी, टूटने लगी और इन परिवारों में एकल परिवार बनने लगे, फिर उन परिवारों में जो समस्याएं आने लगी, जो चुनौतियां आने लगी, वो क्या है। और मध्यवर्गीय परिवार की एक विशेषताएं व्यवस्थाएं ये होती हैं कि वो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से जब तुलना करता है तो उसके लिए बड़ा संकट खड़ा होता है। तो ऐसे मध्यवर्गीय परिवारों की या पारिवारिक जीवन की, उनके बिखराव की, उनके टूटन की समस्याओं को उन्होंने उठाया। लक्ष्मी का स्वागत शीर्षक से एक एकांकी, पापी शीर्षक से एक दूसरा एकांकी और सुखी डाली जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ, वो तो न जाने कब से बरसों से हमारी पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा भी बना रहा और विद्यालयों में महाविद्यालयों में इस एकांकी के मंचन भी समय समय पर विद्यार्थियों द्वारा और प्रशिक्षुओं द्वारा और प्रशिक्षित अभिनेताओं द्वारा समय समय पर होते रहे हैं और बहुत सराहा गया, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है वस्तुतः वो सामाजिक दृष्टि से हितकारी प्रतीत होता है। इसी तरह अष्ट जी के कुछ अन्य लोकप्रिय प्रहसनों को भी जन सामान्य में सराहना मिली, उनका स्वागत हुआ। उनमें जोंक नाम से एक एकांकी है, जो है तो एकांकी लेकिन प्रहसन नुमा एकांकी है, आपस का समझौता और विवाह के दिन, ये भी इसी प्रकार के एकांकी दिखाई देते हैं। तो अष्ट जी की भूमिका निश्चित ही, उन्होंने अपनी व्यंग क्षमता के माध्यम से समाज की विद्रूपताओं को न केवल प्रताड़ित किया, सामाजिक ऐसे चरित्रों को प्रताड़ित किया, बल्कि इस तरह की कुरीतियों को, रीति रिवाजों को उनकी निंदा भी की और जहां अपेक्षित आवश्यक है वहां परिवर्तन की वकालत भी उन्होंने बखूबी की है। वे अभिनेता का हर तरह से ध्यान एकांकी सृजन में, लेखन में रखते हैं, यानी रंग संकेतों का, कहां कहां वो क्या चाहते हैं, इस एकांकी का यदि मंचन हो तो उनकी अपेक्षा क्या है,
इसके सारे निर्देश वो अपने एकांकी के साथ देते चलते हैं, और यह खूबी बड़े रचनाकारों में होती है। उनकी संवाद योजना अत्यंत सहज, बोधगम्य और स्पष्ट होती है। ऐसे बहुत ही तत्सम और संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग वो नहीं करते कि उन्हें समझने जानने के लिए फिर हमें डिक्शनरी की या कोश की शरण में जाना पड़े या हमें किसी अन्य से पूछना पड़े। उन्होंने उस विषय वस्तु की, कथा वस्तु की, पात्रों की अनुकूलता को ध्यान में रखकर भाषा और शब्दों का चयन किया और संवादों की रचना तैयार की। इस तरह हम देखते हैं कि अश्क जी के बाद सेठ गोविंद दास एक और एकांकीकार हमारे सामने हैं, जिनके सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत तथा चतुष्पथ ये कुछ नाटक एकांकी संग्रह हैं जो हमारे सामने आते हैं। सेठ गोविंद दास ने ऐतिहासिक एकांकी, राजनीतिक एकांकी, सामाजिक एकांकी खूब लिखे। हरिकृष्ण प्रेमी ने मातृ मंदिर नाम से एकांकी संग्रह दिया। राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, न्याय मंदिर और वाणी मंदिर आदि नाम से उन्होंने अलग अलग एकांकियों के संग्रह तैयार किए। हरिकृष्ण प्रेमी जिन्होंने, जिनकी चर्चा हमने नाटक के संदर्भ में की थी कि सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर, हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर, बदलते सामाजिक परिवेश को लेकर उन्होंने बहुत सुंदर और प्रेरक नाटक लिखे थे, तो उनके एकांकी संग्रहों में भी इसी दृष्टि को हम देख सकते हैं, क्योंकि वो अपने उन राष्ट्रीय सामाजिक मूल्यों को अपने साथ लेकर चलते हैं। जगदीश चंद माथुर के एकांकी संग्रहों में भोर का तारा और ओ मेरे सपने ये दो संग्रह बहुत ही चर्चित हैं। भोर का तारा एकांकी भी अपने आप में बहुत बेहतरीन एकांकी है। उन्होंने इस तरह से ये संग्रह देकर एकांकियों के उद्भव में, विकास में जो भी योगदान हो सकता था, उनके बदलते स्वरूप में जो भी योगदान हो सकता था वो किया। विष्णु प्रभाकर ने सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्य, इनकी स्थापना, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इनका विश्लेषण करने का परिचय हमें दिया, और आदर्शवादी एकांकी लिखकर उन्होंने अपनी एक विशेष दृष्टि या नजरिए का परिचय भी दिया। प्रकाश और परछाई, इंसान, 12 एकांकी, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर और ये रेखाएं, ये दायरे, ये कुछ एकांकी हैं जो विष्णु जी ने संग्रह के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए। तो हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े एकांकीकार हमारे बीच में उपस्थित होते हैं और उनका नाम बड़े सम्मान के साथ हम एकांकी के उद्भव और विकास में लेते हैं। इसी तरह लक्ष्मी नारायण लाल की बात करें, धर्मवीर भारती की बात करें, धर्मवीर भारती ने नदी प्यासी थी नाम से एक एकांकी दिया। मोहन राकेश अंडे के छिलके शीर्षक से एकांकी लिखते हैं और बड़ा बढ़िया, बहुत ही प्रेरणास्पद एकांकी है। गिरिजा कुमार माथुर उमर कैद नाम से एक एकांकी लिखते हैं। चिरंजीत ने न जाने कितने एकांकी रेडियो के लिए, बच्चों के लिए और निश्चित रूप से सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिखे। सिद्धनाथ कुमार, भारत भूषण अग्रवाल आदि बहुत से एकांकीकार हैं जिनका योगदान विलक्षण योगदान है। उस योगदान के सामने हमारा शीश झुकता है, क्योंकि उन्होंने एकांकी को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित हो सके, लोकप्रिय हो सके, उसकी पठनीयता और दर्शनीयता बढ़ सके, इस क्षेत्र में खूब काम किया उन्होंने। डॉक्टर लाल, लक्ष्मीनारायण लाल ने ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी और दूसरा दरवाजा, इन शीर्षकों से कुछ नाट्य एकांकी संग्रह तैयार किए। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि एकांकी का ये जो दूसरा चरण है, ये पहले चरण का विकास है और एकांकी को अपने उत्कर्ष पर ले जाने का, पाश्चात्य प्रभावों को स्वीकार करते हुए भी भारतीय मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास इन एकांकियों के माध्यम से हुआ है, और हम पाठकों और दर्शकों को इन एकांकियों के माध्यम से कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, ऐसा प्रयास इसमें किया गया है। कुल मिलाकर हिंदी एकांकी लेखन, पठन, मंचन आदि की परंपरा के साथ मजबूत होता रहा और उसकी स्वीकृति, उसकी दर्शनीयता और पठनीयता बढ़ती चली गई। इधर एकांकी विधा कुछ कुछ पहले की तुलना में खतरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि एकांकी लेखन कम हुआ है। अब एकांकी लेखन कम हुआ है तो स्वाभाविक है कि उसका प्रदर्शन भी उस दृष्टि से कम हो रहा है। अति व्यस्तताओं के कारण, बदलते दर्शकीय और पाठकीय मूल्यों के कारण भी एक खतरा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे साहित्यकार, हमारे नाटककार, हमारे रचनाकार, हमारे निर्देशक इस दिशा में विचार कर रहे हैं
और आने वाले समय में कुछ और अच्छे एकांकी संग्रह हमारे बीच आएंगे ऐसी उम्मीद करते हैं और इस तरह से हम एकांकी को पूरा आद्योपांत देख पाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम यही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम यही उम्मीद करें कि इस तरह के एकांकी विभिन्न एकांकीकारों द्वारा जो हैं वो हमारे सामने आएंगे और हम इनका लुत्फ उठाएंगे। खैर, ये कहना चाहूंगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हिंदी एकांकी पर दो ऐसे लेक्चर्स दिए हैं जिनके माध्यम से हम एकांकीकारों और उनकी एकांकियों को जान पाए हैं। हो सकता है बहुत से व्यूअर्स और स्टूडेंट्स जो इस वक्त हमारे लेक्चर को देख रहे होंगे उनको प्रेरणा मिलेगी, वो भी विभिन्न एकांकियों को पढ़ेंगे और लिखेंगे। हो सकता है कि इनमें से ही कोई एक सफल एकांकीकार हमारे बीच पैदा हो जाए। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद।